हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ वो ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को एक सजेशन दिया था कि आपके भैया आए हुए हैं तो आप उनके लिए कुछ बनाओ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं उसी के ऊपर ही आज व्लॉग बनाने वाली। तो मैं आज का जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है वो सारे मेरे भैया की पसंद की जो उनको पसंद है वो बनाऊँगी। तो शुरुआत करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में भैया को आलू के परांठे बहुत पसंद है तो मैं अब आलू के परांठे बनाऊंगी उसके लिए। लंच में उसको राजमा पसंद है और शाम के लिए ऑप्शन है, तो देखते हैं क्या बनता है। पर अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने। चलो, तो मैं और भैया इस वक्त हैं टिकों पियों में पापा के पास और हमारा जो रूम है वो एक सरकारी क्वार्टर है, वह पुलिस में है, मैंने बताया हुआ है वैसे भी पहले सबको। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ परांठे। तो उसके लिए मेरे को चाहिए आलू। हाँ, पापा भी आएंगे ब्रेकफास्ट करने तो मैं आज दोनों के लिए बना लेती हूँ आलू के परांठे। धो लेती हूँ फिर इसको पका लेती हूँ। पकाने के लिए मेरे को इसको एक से दो दो सीटी लगानी है। एक मैं फुल पे लगाऊंगी, एक सिम पे, फिर जैसे ही पक जाता है उसके बाद दिखाती हूँ। अभी इसको धोते हैं। तो आलू जब पकाते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए कि बहुत पानी डाल के आलू नहीं पकाना चाहिए। पानी बिल्कुल कम डालो ताकि जो आलू है बिल्कुल ऐसे फुस फुस जैसे पके और जब पराठा बने तो वो बहुत अच्छा बने। क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आलू ऐसे गीला गीला सा बनता है क्योंकि ज़्यादा पानी सोख लेता है ना वो। तो ऐसे डालेंगे हम इसको पकने डाल देंगे। तो जितने में आलू पकता है उतने में हम आटा गूंदा हुआ है, अगर नहीं गूंदा हो तो गूंद लेते, पापा ने गूंद दिया था, तो उतने में उस आटे को हम फ्रिज से निकाल देते ताकि ये सॉफ्ट हो जाए आटा। तो आलू हमारे पक्के हो गए हैं रेडी। अब हम इसको पील करके इसको कद्दूकस कर लेंगे और एक मसाला बना देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, क्या मिर्च है और थोड़ा सा कसूरी मेथी, मेरी कसूरी मेथी बहुत अच्छी होती है। मेरे मटेरियल जो है वो सब हो गया है रेडी। ये आलू, आटा, सूखा आटा, ऑयल और अब मैं शुरू करती हूँ बनाना। लेट्स मेक इट। हमारा आज का ब्रेकफास्ट परांठा बनाना, भैया का फेवरेट डिश। तो आज हम भैया और पापा को बनाएंगे आलू परांठा। मुझे जो आलू के परांठे हैं वो बहुत मोटे मोटे नहीं अच्छे लगते, मुझे पतले पतले परांठे अच्छे लगते हैं। जितना रोटी बनाते हैं ना उससे बस थोड़ा सा बड़ा आटा लेती हूँ मैं, उसको थोड़ा अच्छे से फैलाती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम ये मसाला और उसको करेंगे बंद। और इसको हम अच्छे से रोल करके आटे में ओके, फिर से मैं इस पर से बड़ा करूंगी। हम इसको बेलेंगे, आराम आराम से बेलना है ताकि फटे ना, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें, आराम से हल्के से बस फैलाते हुए जाना है बाहर को। अब इसको थोड़ा सा इसको ऐसे झाड़ना है ताकि जो सूखा आटे इसमें बचा वो निकल जाए। जब तक ये बनता है तब तक दूसरे परांठे की तैयारी। और जब हल्का हल्का सा हो जाए तो ऐसा हो जाए कलर। और इसमें हल्का हल्का सा तेल लगा दो चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना क्योंकि ज़्यादा तेल अच्छा नहीं तरह से खाना चाहिए। और हम कलर देंगे, फिर इसको हल्के से साइड से प्रेस करते हुए घुमाना है ताकि जो आपका परांठा है वो फूल जाए। परांठा बनाने के साथ साथ मैं साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ क्योंकि चाय भी हमको पीनी है। तो पापा और भैया एटलीस्ट तीन तीन परांठे तो खा ही लेंगे। भैया कितने खाओगे? भैया ने खाने चार परांठे। आप पापा कितने खाओगे? दो। पापा को दो, भैया को चार, मैं तो एक ही खाऊंगी, बहुत है मेरे लिए। ओके भैया, तब तक मैं चढ़ाती हूँ चाय। जितने में हमारा परांठा हो जाएगा तब तक हम चाय भी चढ़ा देंगे साथ में।
परांठा चल रहा था और चाय पत्ती, मेरा परांठा हो गया। परांठा दही बटर के साथ। हाँ बाबा, कैसा लगा आपको परांठा? बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा? आपको कैसा लगा राजमा? वैसे तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊं राजमा दाल, फिर मैंने सोचा कि पापा बहुत टेस्ट बनाते हैं राजमा दाल, मतलब खाना जो भी बहुत पसंद है, तो पापा क्या खाएंगे मेरे हाथ खाएगा ठीक है। तो दिन का जो खाना है वो पापा बनाएंगे राजमा दाल, और मैं पका के रखूंगी और उसे तड़का लगा, ठीक है। डन तो हो गया डील, पापा बनाएंगे दिन का खाना दाल। तो अब ब्रेकफास्ट तो कर लिया हमने, अब दिन की दाल, दिन को जो दाल है वो राजमा दाल बनाना है, तो वो छांट के उसको भिगो देते हैं। तो मेरे पास ना एक बहुत इजी मेथड है, और मैंने ये पहले भी बताया वैसे तो, कि अगर आपके पास मोटी दालें हैं जो लेट पकती हैं, और अगर आपने उनको भिगोया नहीं है रात को, तो एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि दाल जल्दी पक जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि दाल को अच्छे से छांट लो, धो लो। पहले मैं छांट लेती हूँ। हर तरीके की राजमा है, दाल है, सोयाबीन है, चित्रा है, हर तरह की राजमा है। और उसमें डालते हैं पानी, डाल के, और अब हम इसमें एक सीटी आने देंगे। जैसे एक सीटी आ जाएगा उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे, फिर इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम दोबारा चलाएंगे। बस 15 से 20 मिनट में आपकी राजमा तैयार है बिना भिगोए। तो मेरी दाल हो गई है तैयार, मैंने कर दिया गैस बंद, और पापा बाहर गए थे वो अभी आ गए, तो पापा बनाएंगे अब खाना, दाल पापा बनाएंगे, तो मैं जस्ट उनकी हेल्प करूँगी। दाल देखो कितनी मस्त पक के तैयार हो गई है। पापा ने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिया है, और यहाँ पापा लगा रहे हैं तड़का, और अब प्याज को अच्छे से, और यहाँ पापा ने राजमा दाल को थोड़ा मैश कर रहे, क्योंकि बिल्कुल दाने दाने राजमा अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सी ग्रेवी जैसे बने ना तो ज़्यादा सही लगता है ना पापा। हाँ तो ग्रेवी अच्छा। मैं भी आज पहली बार पापा को खाना बनाते हुए मतलब देख रही हूँ। एक्चुअली में होता क्या है ना, हम लोग पापा को खाना देते और हम बैठ जाते थे, तो मैंने आज तक कभी पापा को खाना बनाते हुए नहीं देखा है, मतलब कैसे प्रोसेस नहीं देखा है उनका बनाते हुए। ये टमाटर डाल दिया पापा, इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर तेल ना छोड़ने लगे तब तक। और हमारी दाल हो गई है तैयार, और अब हम इसको थोड़ी सी देर बॉईल करने देंगे अच्छे से, फिर हमारा खाना हो गया तैयार। ये दाल, और अब हम लोग कर रहे हैं हमारा आज का लंच। ऊपर बैठो पापा, ढंग से ऊपर बैठो, लाइट बटन। तो अब हमने कर लिया है लंच, टाइम हो गया है रात के डिनर का। तो मेरे भैया का जो फेवरेट डिश है वो है बैंगन का भरता, बट वो हमने कुछ दिन पहले ही खाया था तो वो नहीं बनाऊंगी मैं। तो उसका सेकंड फेवरेट है जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुनाली, वो है, और मैं बनाने वाली हूँ अब शुनाली। तो शुनाली बनाने के लिए सबसे पहले हमें गूंदना पड़ेगा आटा। तो आटा निकालते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल फूड है, इसको जैसे पास्ता बनता है ना बस उसी तरीके से बनता है ये भी, पर फर्क इतना है कि वो थोड़ा उसमें काफी मटेरियल लग के अलग मैदे से बनता है, और ये हम लोग आटे से बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले लगेगा नमक, नमक लगा के जो इस वाले आटे को ना बहुत नरम नहीं गूंदना पड़ता है, सख्त सख्त गूंदना पड़ता है, तो थोड़ा 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 पानी लगाते हैं। तो मेरा आटा हो गया है रेडी, थोड़ी 5 मिनट इसको रेस्ट कर देती हूँ, तब तक
जो दूसरी प्रिपरेशन का ऊंधा है उसको ना पतला पतला ऐसे लंबा लंबा बनाना पड़ता है, जैसे स्पैगेटी होती है उस टाइप में वो कट जाता है। तो उसके लिए उसको बॉईल करना होता है जैसे हम पास्ता को उबालते हैं वैसे ही। तो अलग से इसमें मैं पानी डाल के उबाल लूँगी पानी, और हाँ पानी में भी नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि मैंने आटे में बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो पानी में भी डालेंगे ताकि जो हम सुनहरी बनाएं उसमें अच्छे से नमक लग जाए। तो जब तक पानी उबलता है तब तक हम इसको पतला पतला ऐसे लंबा लंबा ऐसे बना लेंगे, प्लेट में निकाल देंगे। तो इसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे हम ताकि ये आपस में चिपके ना। वेरी गुड। और इसको जितना पतला बनाएंगे उतना ही खाने में टेस्टी होता है, मोटा मोटा ना मज़ा नहीं आता, वो टेस्टी नहीं लगता। सो, मेरी सुनली हो गई तैयार और पानी भी अब हो गया बॉईल, तो अब मैं इसको डाल देती हूँ पानी में। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। जब तक ये पकता है तब तक हम जो इसको तड़का लगाना है, जो ग्रेवी बनाना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सोनाली में जो सबसे मेन काम है जी तड़का, इसी की वजह से इसमें टेस्ट आएगा, इसी की वजह से इसमें फ्लेवर आएगा, इसी की वजह से ही इसको खाने में मज़ा आएगा। तो प्याज टमाटर थोड़ा अच्छे से लगाते ताकि ग्रेवी मस्त बने और खाने में मज़ा आ जाए। और भैया बोले वाह क्या बनाए हैं, खाने मज़ा आता है। तो मैं प्याज एक लगाऊंगी, टमाटर दो लगा दूंगी। तो सोनाली को हमने छान दिया है, पानी निकाल दिया इसमें से, ये हो गया बिल्कुल रेडी रेडी। तो जो मेरा ग्रेवी है वो हो गया है तैयार बिल्कुल, उसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम जो हमारा सुनहरी जो हमने बना लिया था इसको इसमें डाल देंगे। तो आप देख रहे कितना टेस्ट लगे। तो हम कसूरी मेथी डाल देंगे, एंड गैस कर देंगे हम बंद। हमारा जो सुनहरी है वो हो गया है रेडी टू सर्व। खाओ भैया खाओ। बताओ कैसा है। सारा भैया के लिए था, भैया के जो फेवरेट गाना था वही बनाया हमने। तो अब हम लोग करते हैं डिनर। अब मैं अपना ब्लॉग बस यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।